1923 में आज ही के दिन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत का जन्म हुआ था। राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर शेखावत काफी लंबे समय तक छाए रहे थे और राजस्थान की राजनीति में उनका जबरदस्त प्रभाव था। 1952 में जब राजस्थान में विधानसभा की स्थापना हुई थी, तब भैरव सिंह शेखावत ने अपना भाग्य आजमाया और विधायक बने। इसके बाद वे 10 बार विधायक पद के लिए चुने गए और 1974 से 1977 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अपने लंबे राजनीतिक सफर में भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री, 3 बार नेता प्रतिपक्ष और भारत के 11वें उपराष्ट्रपति रहे। 2007 में इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस चुनाव में सफलता नहीं मिली। भारत में गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए चलाई गई अंत्योदय अन्न योजना का श्रेय भी भैरव सिंह शेखावत को दिया जाता है। आज के दिन 1937 में बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का जन्म हुआ था। देवेन वर्मा अपने समय के जाने माने अभिनेता और दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार के दामाद थे। अशोक कुमार बीआर फिल्म्स और यशराज फिल्म्स के साथ काम करते थे और यही वजह थी कि देवेन वर्मा को फिल्मों में काम करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1961 में बीआर चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म धर्मपुत्र से देवेन ने अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में देवेन का छोटा सा रोल था, जिस वजह से देवेन पर दर्शकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1964 में रिलीज हुई फिल्म सुहागन से इनके हुनर को पहचान मिली। गोलमाल, अंगूर, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। देवेन वर्मा बड़े पर्दे पर आखिरी बार 2003 में रिलीज हुई फिल्म कलकत्ता मेल में नजर आए थे। इस फिल्म में यह रानी मुखर्जी के दादाजी के किरदार में थी। देवेन वर्मा को 3 बार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्नीस में आज ही के दिन वैज्ञानिक गेटी कोरी और उनके पति काल कोरी को कार्बोहाइड्रेट साइकिल के सिद्धांत के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गेटी कोरी और उनके पति पहले ऐसे दंपत्ति थे जिन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में जन्मी गेटी कोरी वहीं की जर्मन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की पढ़ाई करती थी। इस दौरान उनकी मुलाकात काल कोरी से हुई। 1920 में दोनों ने साथ में MD की पढ़ाई पूरी की। 1922 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के आसार पनपते देख दोनों ने न्यूयॉर्क का रुख किया। न्यूयॉर्क में काल कोरी ने प्राण घातक बीमारियों के स्टेट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर ली। 6 महीने बाद गेटी ने भी असिस्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच तालमेल कमाल का था। 1929 में दोनों ने कार्बोहाइड्रेट साइकिल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे कोरी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट कैसे खुद को विघटित कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और जरूरत ना होने पर कैसे इसका संचय होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया और शरीर में इसके महत्व पर इस तरह का सिद्धांत पहली बार आया था। इससे डायबिटीज के इलाज में काफी मदद मिली। आज के दिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देश में पहली बार एक आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की गई। ब्रिटेन में लंदन के मशहूर सर्जन और शरीर रचना विज्ञानी जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू ने ब्रिटिश सेना अधिकारी का प्लास्टिक सर्जरी किया था। दरअसल कार्प्यू भारतीय और इस्लामिक मेडिकल साइंस से काफी प्रभावित थे। 1794 में जेंटलमैन पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इन्होंने भारत जाने का निश्चय किया और भारत आ गए। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के अंग भंग होने पर राइनोप्लास्टी कर उन्हें दुरुस्त किया जाता है। भारत में कार्प्यू ने 20 वर्ष बिताए और सर्जरी के स्थानीय तरीके सीखे। इंग्लैंड लौटकर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के विषय पर अपना शोध जारी रखा। इसी दौरान इन्हें ऐसा एक मरीज मिला जो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए तैयार था। इस सर्जरी में नाक को दोबारा बनाने की कोशिश की गई। कार्प्यू ने मरीज के माथे की त्वचा निकालकर उसे नाक के आकार में नाक के छेद को ठगते हुए लगा दिया। कई दिनों तक चेहरे पर पट्टियां बंधी होने के बाद जब उसे हटाकर देखा गया तो मरीज के चेहरे पर नाक लग गई थी। यह प्लास्टिक सर्जरी का पहला सफल मामला था, जिसे बाद में इंडियन प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना गया।
इतिहास में ऐसी सर्जरी का मामला 800 ईसा पूर्व से मिलता है। भारतीय मान्यता में सुश्रुत को सर्जरी यानी शल्य क्रिया का पिता माना जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार खलीफा अब्बासित ने पुराने भारतीय सर्जनों के काम को अरबी भाषा में अनुवाद किया था और यही से सर्जरी का विधिवत ज्ञान अरब तथा पश्चिमी देशों में पहुंचा।